still drive me crazy. Hey. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज है संडे और आज के दिन की शुरुआत मैंने की है चाय पीने से, यूजुअल की तरह। पर जल्दी ही मेरे दिन में मैं हो गई थी रेडी, और रेडी मैं सिर्फ 10 मिनट्स रेडी हो रही हूँ आज। सबसे पहले मैंने मेरे स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया है, देन SPF लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये शिशिडो की स्प्रे मुझे बहुत अच्छी लगती है। देन हम हमारे स्कार्स पे लगाएंगे सीधा ही फाउंडेशन। उसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसकी कवरेज अच्छी है, लाइक मेरे स्कार्स हाइड हो जाते हैं। शेड है डेजर्ट बेज, और इसको लगाने के बाद मैं मेरे ब्राउनजर से मेरी आईज़ को थोड़ा सा कलर दे देंगे, लाइक कुछ ओवर द टॉप नहीं करने वाली हूँ, ओके काइंड। एंड देन मैंने ये बड़ा सा ब्रश लिया है और ये ब्लैक आई शैडो से लाइनर जैसा क्रिएट करेंगे। सो ये है लॉरियल का मस्कारा, जिससे हम हमारी लैशेस कोट कर लेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप होने वाला है, मैं जो फाउंडेशन मैंने अर्लियर लगाया था उसे मैंने ब्लेंड नहीं किया था, सिर्फ सेट होने दिया था, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देन मेरे आईब्रोज को सेट करेंगे सिर्फ डार्क ब्राउन पाउडर के साथ। एंड जो मैं आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रांड एसेंस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और मुझे अच्छा लगता है। मेबलिन के ग्रेट लैश मस्कारे से मेरी मेरे आईब्रोज को सेट कर लेंगे। अब मैं सेम कलर्स मेरी लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा मेरे चेहरे को ब्राउन्स करेंगे। अगेन से बड़ा ब्रश लेके मैं पाउडर से मेरे फेस को सेट कर लूँगी, जो मैंने फाउंडेशन लगाया है। बहुत ही कम क्वांटिटी लगाई गई है आज। और अगला स्टेप है लैशेस। लैशेस के बिना मेरी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं लैशेस पहन ही लेती हूँ, पर समटाइम नहीं भी पहनती हूँ। सो लैशेस पहन ली है मैंने, जो स्टाइल मैंने पहना है वो दुबई। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी लैशेस है, ये है सिमोर लैशेस। अगर आप मेरी लैशेस ख़रीदना चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएँ और ख़रीद लें। और आज एक दिन के लिए मेरी लैशेस पे 50% ऑफ भी चल रहा है, क्योंकि हमारी लैश लाइन को एक साल हो चुका है। और या वन डे ओनली, जल्दी से जाएँ और शॉपिंग कर लें। अभी है 15 अक्टूबर नाइट, 17 अक्टूबर की सुबह तक ये जो 50% डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो जल्दी करें और ख़रीद लें। अब मैं कपड़े चेंज करके नीचे आ चुकी हूँ किचन में। अब हम कुक करेंगे ब्रेकफास्ट। एंड मैंने क्या किया है, एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने देसी घी डाला है। देसी घी में मैंने डाली है हिंग, क्योंकि कल रात को डिनर में हमने राजमा खाए थे, और अगली सुबह मैं राजमा को ऐसे नहीं खाती हूँ, तो हिंग का तड़का लगाया है मैंने दोबारा से। और मैं यहाँ पे ऑमलेट बनाने वाली हूँ हिम्मत एंड हस्बैंड के लिए, एंड उसके साथ हम खाएंगे पराठे। ऐसे हो जाएगा हमारा डिलिशियस सिंपल सादा ब्रेकफास्ट। सो हिम्मत को स्क्रैम्बल एग अच्छे लगते हैं, तो उसको स्क्रैम्बल मिलेंगे। डैडी को ऑमलेट अच्छा लगता है, तो अब हम हिम्मत को परौंठी बहुत अच्छी नहीं लगती है, हस्बैंड को परौंठी अच्छी लगती है। हिम्मत के लिए मैं रोटी बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए परौंठी बनाऊँगी। सो यस, ऐसे करेंगे उनका मील तैयार। We are watching today. And look at those kids. They're scared. And you know, one kid, he walked and he found a magic flag. Like you, then it's windy, you flow it. Then it's magic. He just, it won inside that house. Can you play it, sir? Okay, guys, we are so ready. Say yes! Yes! Good job! Let's go!
ऑलराइट दोस्तों, तो मैं और हिम्मत आज देखने वाले हैं हॉरर मूवी। ये वैसे तो किड्स के लिए अच्छी है पर फिर भी थोड़ी स्केरी है और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज हमारा सैटरडे आफ्टरनून मूवी देखने के लिए। और हिम्मत लेने गया है पॉपकॉर्न और हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। सो मिमी गया है पॉपकॉर्न को अरेंज करने के लिए, पॉपकॉर्न को बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे स्केर्ड हूँ एंड एक्साइटेड हूँ। एंड हमें वीडियो पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि हिम्मत मिस कर देगा अदरवाइज। आई एम पॉजिंग हिम्मत, डू वो भी डिड इट। यार उन्हीं रोटी खा दी। ओके अनपॉज, अनपॉज इट। ओके सर, ओके दोस्तों, तो जब अक्टूबर आता है तो हॉन्टेड एंड हॉरर मूवीज का सीजन आ जाता है। मेरी फेवरेट है हॉकस पॉकस, पर हिम्मत को अच्छी नहीं लगती है, पर मैं हिम्मत के साथ वो देखती हूँ। पर आज हम देखने वाले हैं एनिमेशन किड्स हॉरर मूवी, जो इतनी स्केरी नहीं होने वाली है बट स्केरी होने वाली है मिमी के लिए। पॉपकॉर्न्स के पॉप होने की आवाज़ आ रही है एंड देन हम देखेंगे हमारी मूवी जस्ट लाइक यू। ठंड लग रही है मुझे। मूवी देखने के बाद मैं और हिम्मत दोनों सो गए थे और हम लोग सोए हैं 2 घंटे और अब समय है हमारे डिनर का, 6:30 हो चुके हैं। पर बिकॉज मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है तो डिनर खाने से पहले मैं पीना चाहती हूँ चाय। और मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप चाय पीना चाहेंगे, ही सेड कि यस। अगर वो नहीं पीना चाहेंगे तो मैं मशीन वाली चाय पी लेती हूँ, बट ही सेड यस। सो आई एम गोना मेक चाय फॉर मी एंड हिम। Is daddy coming or mimi coming? Both coming. Mommy. Yes, guys. We want have chicken today in dinner. Meri baan vadi ke bana na. So chicken? Or chicken legs or chicken wings? Khargosh hai main. Reindeer hai. Mom, kya rakh lega? सो मैं डिनर को स्किप करने वाली हूँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। पर मैंने मेरे हस्बैंड के लिए डिलीशियस डिनर बनाया है जो कि है न्यूट्री एंड रुमाली रोटी। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ क्विक से शेयर कर देती हूँ। मैंने न्यूट्री को कर लिया है बॉयल। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल एंड इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा। जीरे के बाद हम करेंगे अनियन। अनियन को अच्छा कुक करेंगे। अनियन को मैंने प्रोसेस नहीं किया है फूड प्रोसेसर में, चॉप्ड किया है। सो उसके बाद जब ये अच्छी तरह कुक हो जाते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एंड हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, और इस काली मिर्च भी थोड़ी सी, और इससे हम कर लेंगे मिक्स। ऑलराइट, जब इसने तेल छोड़ दिया है इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, वो इसलिए ताकि जो मेरी न्यूट्री है उसका कलर काला हो जाए। इसको मैंने पहले टमाटर ऐड करने से पहले इसलिए डाला है क्योंकि फिर ये खट्टी चीज़ के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर देगा। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं जिसमें टमाटर है, जिंजर है, गार्लिक है एंड ग्रीन चिली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक होने देंगे तब तक जब तक ये सारा मिक्सचर तेल नहीं छोड़ देता। अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। वंस ये तड़का ऐसा हो गया, आप देखेंगे कैसा डार्क रंग दे रहा है ये। इसमें मैं ऐड कर दूंगी न्यूट्री को, जिसको मैंने बॉईल करके रखा है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड अब हम इसको थोड़ा कुक होने देंगे।
इस समय पे मैं न्यूट्री में ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी क्रीम 35% अराउंड 3 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें जो क्रीमी फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उसको ऐड करने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स। वंस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी चाय पत्ती का पानी ताकि ये जो न्यूट्री है और काले रंग की हो जाए। सो अब हम इसको स्लो कुक होने देंगे बहुत देर तक, जब तक पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब आप देखें मेरी न्यूट्री तैयार हो चुकी है और अब हम बनाएंगे रुमाली रोटी। रुमाली रोटी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, पर रुमाली रोटी का आटा मैं मैदा गूंथती हूँ, थोड़ा सा आटा एंड मैदे का मिक्सचर जिसको मैं गर्म दूध के साथ गूंथती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ। नॉर्मल आटे की तरह आटा गूंथ लिया। अब पतले से पतली इसको मैं बेलूंगी क्योंकि मुझे हाथों पर जादू नहीं आता है, और मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है उल्टी ताकि मैं इस पर रुमाली रोटी बना पाऊँ। अगर कढ़ाई पूरी गोल हो तो अच्छा है, पर मेरे पास नहीं है क्योंकि उससे रोटी की शेप बहुत अच्छी आती है। जब आपको लगता है कि आपकी इन्ना रोटी पतली हो चुकी है तो मैं इस उल्टी कढ़ाई पर डाल दूंगी। जब थोड़े से बबल आते हैं तो हम इसको उठा के इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। रोटी वाले कपड़े के साथ हर तरफ से मैं इसको प्रेस कर दूंगी ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। एंड उसके बाद इस पर अच्छा सा बटर लगाऊंगी मैं और इसको रोल कर दूंगी, और ये रोटी आप यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है। और सो यस, हमारा डिनर तैयार हो चुका है। आप समय देख सकते हैं, समय है 6:30 एंड हमारा डिनर तैयार हो चुका है। अगर आप ये सब्जी को ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। ये आपको ज़रूरी है अच्छी लगेगी। इसके ऊपर आप जिंजर की पतली स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आए। और मैंने एक्चुअली शूट करना भूल गई हूँ, पर मैंने इसमें बटर भी ऐड किया था। सो आज है गुड हेयर डे। जिस दिन हमारा गुड हेयर डे होता है तो हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारे बोले तो लड़कियाँ। सो गुड डे की, गुड डे के, गुड डे, गुड हेयर डे की खुशी को कम करते हुए हम हमारे काम को शुरू करते हैं। सो ड्रायर से मैं कपड़े निकाल के फोल्ड करूंगी जितने मुझसे होते हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कल है मंडे। वैसे तो हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों की छुट्टी है, तो जो मैंने अपना पेंटिंग करने के लिए सामान रखा है, हिम्मत सोच रहा है कि उसे वो भी यूज कर सकता है, तो वो यूज करने के लिए उसने तैयारी शुरू कर ली है। पर उसे रोक के आई हूँ मैं कि तेरे लिए नहीं है ये। कपड़े निकाल के और को डाल देते ड्रायर में ताकि काम चालू हो जाए, थोड़ा काम चालू हो जाए। पर आई थिंक आप मुझे देख पा रहे हो। और अब यार हमारी मशीन्स की प्रॉब्लम है कि ये उल्टी साइड पे पड़ी है। हमारी मशीन्स की प्रॉब्लम है कि जो ड्रायर है वो वॉशर की जगह है वॉशर ड्रायर की, तो इनके जो डोर्स हैं एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। अगर डोर ओपोजिट साइड पे हो तो फिर मैं यहाँ से निकालते ही इसमें ऐड कर सकती हूँ। अब मुझे पूरा अच्छी तरह निकाल के इधर आना पड़ता है। किसी दिन इसको टास्क बना के हस्बैंड की हेल्प लेके इनको चेंज किया जाएगा ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। हमें इस घर में रहते हुए कितना समय हो चुका है, तीसरा साल है, तीसरा साल कम्प्लीट होने वाला है, और मैंने इसको अभी तक स्विच नहीं किया है क्योंकि ये कंसर्न को तो मैंने बहुत बिगनिंग में ही देख लिया था। ये होते हैं कामचोर लोग। मैं कामचोर नहीं हूँ, ओके, बस लेजी हूँ, भूल जाती हूँ। एक्चुअली भूल जाती हूँ, जब भी मैं आगे नीचे काम करती हूँ तभी याद आता है, वैसे मुझे भूल जाता है। मैं कामचोर नहीं हूँ, ओके। अगर आप अपनी बुराई खुद से ही कर दें तो लोग तो फिर मजा आ जाएगा उनको, कहेंगे हम भी करते हैं। कोई कोई वीक मैं हो जाती हूँ लेजी मेरे कपड़ों को वॉश करने के लिए, जिसकी वजह से फिर मुझे अगले आने वाले हफ्तों में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है। पर कमिंग वीक में हम ऐसे नहीं होने देंगे। सो गंदे कपड़ों को भी हम ऐड कर देते हैं। जो कपड़े व्हाइट हैं और रेड हैं उनको हम अलग से वॉश करेंगे। कुछ मेरे पास लॉन्ड्री के जो टिप्स हैं जिसके हिसाब से मैं मेरे कपड़ों को वॉश करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद वो आपको हेल्प करेंगे। बस एक ही लोड बनेगा मुझे लग रहा है। एक्चुअली मेरे पास व्हाइट कपड़े भी हैं। ऑलराइट, सो अब हम करेंगे फोल्डिंग। ऑलराइट, तो मैंने अपना एंटरटेनमेंट लगा लिया है और अब हम कपड़ों को फोल्ड करेंगे, लीस्ट इंटरेस्टिंग काम। पर जब तक कपड़ों को फोल्ड करके जगह जगह नहीं पहुंचाएं तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है।
क्योंकि धोने का फायदा क्या अगर उनको अरेंज नहीं करेंगे, और दूसरी चीज है जब कपड़े ड्रायर से गरम गरम निकलते हैं तभी अगर आप उसको फोल्ड कर ले तो अच्छा है, अदरवाइज वो इतने बुरे रिंकल्स आ जाते हैं और आपका काम ना हो जाएगा, डबल आपको करना पड़ेगा आयरन या स्टीम। सो इससे अच्छा है कि काम को सिंगल रखें और ये काम कर लें जितना कितना। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, मैं आउटरो करना भूल गई हूँ क्योंकि कपड़े की तय करने में बहुत व्यस्त हो गई थी। आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बहुत सारा प्यार करें, और मैं मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय, ललू।